हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फाइव ऑफ सीआरपीसी सेक्शन फाइव सेविंग के बारे में बात कर रहा है सेक्शन सेव फाइव में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन फाइव सेविंग नथिंग कंटेंट इन दिस कोड शैल इन दी अपसेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू दंट्रेरी अफेक्ट एनी स्पेशल और अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और एनी अदर और एनी स्पेशल जुडिशन और पावर कंफर्ट कन्फर्ट और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सेक्शन फाइव जो सेविंग के बारे में बात कर रहा है कि नथिंग कंटेंड इन दिस कोड जो भी इस कोड में दिया गया है तो जो भी इस कोड सी में दिया गया है वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा जो इस टाइम पर इनफोर्स में है या फिर स्पेशल जो जुडिशन है स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे इस कोड के प्रोविज़न जो है इन अब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविज़न टू दरी पर अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न लिखा हुआ है स्पेशल या फिर लोकल लॉ में कि जो लॉ है ये डील होगा सी के अकॉर्डिंग ये लिख दिया गया तब वहाँ पर सी के प्रोविज़न अप्लाई हो सकते हैं जैसे कोई भी एक्ट है मान लीजिए एन है डोमेस्टिक वायलेंस है पॉक्सो एक्ट है अगर वहाँ किसी ऑफेंस में लिखा गया है कि सी सी से डील होगा तो वो सी से ही डील होगा तब वो सी आर पी से डील हो जाएगा लेकिन उसका स्पेशल प्रोविज़न बताया हुआ हो कुछ तो सी आर पी सी के जो प्रोविज़न है वो उन स्पेशल लॉ के एक्ट को एक्ट्स को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे अगर कुछ नहीं लिखा किसी भी मतलब कोई एक्ट है तो तो क्या होगा तो सी आर पी सी के प्रोविज़न अप्लाई होंगे वहाँ पर यहाँ बात यहाँ पर मतलब जो है ये बात कही गई है तो चैप्टर वन जो है हमारा कम्प्लीट होता है अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर टू Thanks for watching.